आपका यहाँ पे संतो असर नहीं होगा। और दी अदर है टीएसजी बना फ्रॉली की स्पोर्ट्स में, टीएसजी खदेड़ते नजर आ रही है। फ्रॉली स्पोर्ट्स के जोरो आर का यहाँ पे कल सिकर कर चुका है, लेकिन इसी बीच यहाँ पे टीम ओजी लीग के खिलाड़ी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे साइबर को जिम्मेदारी दी होगी आप यहाँ पे रोके टीम को, तब तक मैं पीछे हटता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे टोकन से नहीं है तो फिर अपना यहाँ पे संतो सोलो सर्वाइवल दिखाना पड़ेगा मिस्टर जय को, लेकिन अगर टोकन से तो शायद से मे बी यहाँ पे संतो पुलिस सारे के सारे प्लेयर्स बचा लेंगे। लेकिन जैसे कि हमने अनुमान था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आई थिंक होगी, लीजिए टीएसजी यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे किल्स मिलते नजर आ रहे हैं। एंड टीएसजी जानती है मामू की कहाँ कहाँ पे फाइट जमीन देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ प्लेयर्स की रोटेशन है। अभी तक देखा जाए तो परफेक्शन के साथ काम हुआ है एंड दो टीमें एलिमिनेट कर चुके हैं। एब्सोल्युटली, और यहाँ पे अगर आप देखें टू साइड गेमर्स को इस वक्त संभल के खेलना पड़ेगा। 7 किल आ चुके हैं, बेहद करीब है टेबल टॉप के, थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं। हिंद अब जो एक पल को ऐसा लग रही थी कि शायद पूरी वाइप आउट हो सकती है, लेकिन वो वापस से गेम में जो है, कम से कम 3 खिलाड़ी अपने विस्थापित, चलिए अब 4 खिलाड़ी विस्थापित कर लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल कर खेलना पड़ेगा। डिसाइडिंग डे है, हम अपने चैंपियंस को आज देख सकते हैं और आज वर्ल्ड ऑफ बैटल ये आज पार्टी स्पॉइलर्स बन सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑफ बैटल जो है यहाँ पे कोई एक आधा बड़ी टीम के ऊपर धाबा बोल सकती है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे तो मुझे लग रहा है हिंद की किस्मत खराब है। एक तो वो कहते हैं ना कोड पे खुजली, क्योंकि आप वैसे ही टेबल टॉप में हैं और आप अपना टेबल टॉप बचाने की कोशिश कर रहे हैं किससे, टीएसजी से, और पिटे भी किनके हाथ रहे हैं आप टीएसजी के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही खराब हालात में है इस वक्त हिंद की टीम। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ओरेंगुटान इलीट भी एलिमिनेट हो चुकी है, और ये मुझे नहीं लगता शायद ओजी वर्ल्ड ऑफ बैटल से भिड़ी थी, क्योंकि बहुत दूर है इस वक्त वर्ल्ड ऑफ बैटल यहाँ पे, और फैक्ट्री के दरमियान फाइट चल रही है। अगर ओरेंगुटान वर्ल्ड ऑफ बैटल से लड़के एलिमिनेट हुए तो वर्ल्ड ऑफ बैटल ने नहीं, ओरेंगुटान ने इन पर हमला किया होगा, क्योंकि अगर आप देखें हंट अवर तक अभी तक वर्ल्ड ऑफ बैटल पहुंची ही नहीं है। और आज इग्नाइट को मौका मिला है, मैं बता दूं गाइज आज जो हर्ष हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है, और वही घर का बाहर का चटपटा खाने की वजह से यही चीजें हो रही हैं। तो आप सब लोगों से गुजारिश है घर का खाएं, पता नहीं कौन लोग बाहर का खाना ऑर्डर कर देते हैं और ये बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें टू साइड गेमर्स जो है पूरा पूरा अपना जान लगा रहे हैं, 13 एलिमिनेशन हो चुके हैं। मेरा तो गणित कहता है कि टीएसजी को इस पर्टिकुलर मैच में कम से कम 18 से 22 किल के बीच में कर लेना चाहिए, और एक बूया भी शायद यहाँ पे इनको मिलने वाला, ये पक्की बात है। क्योंकि इस वक्त ओके इग्नाइट एक बार फिर से यहाँ पे अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इग्नाइट आए हैं अपनी यहाँ पे रश हो चुका है, और ये हैं ऑरा गेमिंग जो बहुत लेट रोटेशन लगाते, लेकिन फायदा हो गया, गॉड लाइक यहाँ पे गेम चल रहा है टू साइड गेमर्स का। और देखते हैं यहाँ पे टीएसजी किस तरीके से काम कर पाती है, बिना एक भी बंदा गवाए वर्ल्ड ऑफ बैटल को आसानी से मात दे दी वहाँ पे ऑरा गेमिंग ईस्पोर्ट्स ने। लेकिन कौशिक मलिक वहाँ पे किसी और प्लेयर को भी स्पॉट कर चुके हैं जो मार्क्ड हो चुका है, क्या यहाँ पे शिराउ से जो खिलाड़ी मार्क हुआ है उसको यहाँ पे कौशिक मलिक अपने खड़ाऊ के नीचे ला पाते हैं कि नहीं? क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो एंटी मैटर लॉन्चर से भी वहाँ पे प्रेशर बनाया जा रहा था, मुझे लगता है और आगे में इस बार फंसने वाली है क्योंकि टू साइड गेमर्स अगर आप देखें ऊपर से काउंटर अटैक देंगे, और ये देखिए एक के बाद एक शायद माफिया से भी जूझ रहे थे, माफिया से कभी तक खाता नहीं खुला है, एक्सट्रीमली लेट रोटेशन और ऊपर से बहुत ही स्लो स्टार्ट, आई थिंक माफिया को ये महंगा पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स महंगा पड़ चुके हैं, हो चुके यहाँ पे एलिमिनेट, एंड इस एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे टीम प्रॉब्लम में आ सकती है। ओ लीजिए मेरे को एक बार के लिखा था कि रिवाइवल हुतिया तो कहां से दिया, कह रहे एनीवेज यहाँ पे हो चुके हैं एलिमिनेट। बट अभी बात कर अगर यहाँ पे स्टंट और आई स्पोर्ट्स की तो उनके लिए अब चीजें काफी ज्यादा खराब हुई में चलेगी, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे संतो एज ऑफ जोन है, एंड एज ऑफ जोन जब टीम्स यहाँ पे संतो रोटेट कर रही होती है तो उनको यहाँ पे जो टीम्स यहाँ पे किट कीप कर रही होती है वो प्रॉब्लम में काफी ज्यादा डालती है। टीएसजी का यहाँ पे काफी ज्यादा इजी बुआ नजर आ रहे हैं, दो प्लेयर्स अभी बचे हुए और ई स्पोर्ट्स की जो कोशिश करेंगे अंतिम सांस तक यहाँ पे लड़ेंगे, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे संतो को फायदा मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए खुल चुके हैं सोनिया मनीष यहाँ पे नॉकआउट होते नजर आ रहे हैं, सिद्धार्थ यहाँ पे संतो कोई मौका नहीं देगा, सिद्धार्थ ने प्रेशर बना के रखा हुआ है, एंड आयुष यहाँ पे शॉट बचाएगी काम अपना कंप्लीट करते नजर आ अपने पहले मैच में। और ये